हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल पाथ, कोहरेंस, कोहरेंट सोर्सेस, इनकोहरेंट सोर्सेस और कंडीशन टू ऑब्टेन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, है ना। फ्रिंज कितने डिस्प्लेस होंगे, कैसे डिस्प्लेस होंगे, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझने से पहले एक बार YDSE शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, है ना, सो दैट हम लोगों को कंसेप्ट और अच्छे से समझे। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ऐसे दो स्लिट्स थे और यहाँ थी स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन या ऐसी थी, क्लियर। अब यहाँ एक सोर्स था S1 और यहाँ दूसरा सोर्स था S2, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट था O और ये पॉइंट था P, ठीक है। S1 से निकलने वाली वेव ऐसी पहुँची, S2 से निकलने वाली वेव ऐसी पहुँची, है ना। और ये हम लोगों ने थोड़ा करेक्शन ये किया था, क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन किया था, ये एंगल थीटा बोला था और यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डाल के इसको हम लोगों ने पाथ डिफरेंस बोला था, है ना, और ये एंगल भी थीटा रहेगा और पाथ डिफरेंस आया था डी साइन थीटा, जिसको सॉल्व करने पे पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी, सपोज ये डिस्टेंस कितना है y, ये डिस्टेंस है कैपिटल D और ये डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है। तो y स्मॉल d बाय कैपिटल D, ये हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था सबको, जस्ट चेक आवाज आ रही है ना, हाँ, तो यहाँ तक सबको क्लियर था। अब ये कंसेप्ट में, अब आज का जो कंसेप्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो समझाने के लिए आज पहले सिचुएशन समझा देता हूं, ठीक है। सिचुएशन सेम है आज की भी, हम लोगों ने ऐसा दो स्लिट्स लिए और यहां पे रखी स्क्रीन, ठीक है, और यहां पे अगेन हमारे दो सोर्सेज हैं, एक है S1 एक है S2, है ना, और ये हमारा पॉइंट है O, ठीक है। इस बार बस हम लोगों ने इसके रास्ते में, है ना, ये पॉइंट हमारा P जिसकी दूरी आज भी y है, है ना, और ये है दूसरा रे हमारा, ठीक है। हमने किया क्या है, हमने S1 के रास्ते में T थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम रख दिया, ठीक है, T थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम रख दिया हम लोगों ने S1 के रास्ते में, कोई तो एक वेव के रास्ते में, ठीक है, ऊपर के वेव के रास्ते में हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, अब पहले हम जो पार्ट डिफरेंस लिखते थे, है ना, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लिखते थे हम लोग, वो लिखते थे एस टू पी माइनस एस वन पी, ये लिखते थे। अब यहां देखो पार्ट डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, अब जो पार्ट डिफरेंस है, हाँ, स्वाभाविक सा बात है, नॉर्मल है कि भाई एस टू तो ज्यादा ही चल रहा है, तो इट वुड बी एस टू पी माइनस, अब एस वन जो है, एस वन जो है ये ज्यादा चला, है ना, ऑलरेडी एस वन कितना चल रहा था, एस वन पी, लेकिन, है ना, लेकिन ये मीडियम की वजह से मैंने पिछले, सॉरी, मैंने पिछले ही लेक्चर के सबसे एंड में लिखा, सबसे एंड का टॉपिक, कि एक्स्ट्रा कितना चलता है। अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देखो, मैंने सबसे लास्ट वाला टॉपिक ऑप्टिकल पाथ में ये बताया था कि जब कोई मीडियम आता है तो मीडियम के वजह से वो एक्स्ट्रा कितना चलता है, एक्स्ट्रा चलता है म्यू माइनस वन इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा चलता है। ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि इतना एक्स्ट्रा कैसे चलता है, वहां पे मैंने म्यू माइनस वन इंटू स्मॉल एक्स लिखा था क्योंकि थिकनेस एक्स था, यहां पे मैंने थिकनेस टी लिया है, तो म्यू माइनस वन इंटू टी लिया इसको, ठीक है, समझ में आया। तो देयरफोर यहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो गया, एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, तो पाथ डिफरेंस हो गया एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, समझ में आए, ये हो गया हमारा न्यू पाथ डिफरेंस। अब क्योंकि पाथ डिफरेंस चेंज हो गया, पाथ डिफरेंस चेंज हुआ,
बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लैम्बडा वेवलेंथ आज भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन आज भी वही है, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज आज भी वही है, तो फ्रिंज विड्थ को कोई भी चेंज नहीं मिला, कोई भी चेंज नहीं हुआ फ्रिंज विड्थ में। फ्रिंज विड्थ जो था कैपिटल एक्स आज भी वही है, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हुआ। तो चेंज क्या हुआ, पाथ डिफरेंस चेंज हुआ। तो ये पाथ डिफरेंस चेंज होने से सारा फ्रिंज पैटर्न, सारा फ्रिंज या फिर बैंड या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो गया। सारा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो गया। अब किधर शिफ्ट हुआ, इसके लिए ना एक रूल याद रख लो, है ना, अगर तुमने मीडियम ऊपर के सोर्स में लगाया, ऊपर के सोर्स में लगाया तो ऊपर की रे एक्स्ट्रा चल रही तो सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ये चीज मीडियम तुम नीचे के सोर्स के रास्ते में लगाते थे, नीचे के सोर्स के रास्ते में लगाते थे तो सारा पैटर्न नीचे शिफ्ट होता था। ओके तो किधर शिफ्ट हुआ ये समझ में आया। अब कितना शिफ्ट हुआ हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये समझा कि किधर शिफ्ट हुआ। पहले पढ़ाया कि क्यों शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया। जो पार्ट डिफरेंस एस टू पी माइनस एस वन पी था पहले, अब वो हो गया एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। दूसरा किधर शिफ्ट हुआ, जिस सोर्स के रास्ते में, जिस सोर्स के रास्ते में तुम क्या रखोगे मीडियम, उस सोर्स के साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब कितना शिफ्ट होगा, है ना, कितना शिफ्ट होगा, चलो देखते कितना शिफ्ट होगा। सपोज अब मैं ये फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एस टू पी माइनस एस वन की जगह, एस वन पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है, क्लियर। अब ये हटा दूं, है ना, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, सपोज ये हमारा नया पोजीशन है ओ डैश, है ना, सपोज ये वाई दूरी पे है, तो एट ओ डैश, अब एट ओ डैश, है ना, उसको वाई बोल दो, वाई वाई बोलना है या कोई दूसरा अक्षर, लेट अस से वाई डैश बोल देते, नहीं तो तुम बोलोगे सर वाई तो पी को बोला था। ओ डैश हमारा, दिस इज अवर न्यू सेंट्रल ब्राइट बैंड या न्यू सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, एट ओ डैश पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, बस यही इक्वेशन आएगा, बस वाई की जगह क्या आएगा वाई डैश, तो वाई डैश स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस न्यू माइनस वन इन टू टी, ये हमारा न्यू पार्ट डिफरेंस आएगा, है ना। बट सिंस, सॉरी, बट ओ डैश इज सी बी बी, देयर फोर पाथ डिफरेंस जो है ओ डैश पे कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बैंड पे पाथ डिफरेंस हमेशा कितना होता है, जीरो। तो देयर फोर हम लोग क्या लिखेंगे, y डैश d बाई कैपिटल d माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी शुड बी इक्वल टू जीरो, इधर गया ये, तो y डैश d अपॉन कैपिटल d दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी, तो y डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल d बाई स्मॉल d। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, जितने से cbb शिफ्ट होगा उतने से हर बैंड शिफ्ट होगा। Clear with this? तो कितने से शिफ्ट हुआ पूरा पैटर्न, म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, समझा सबको, सो द पैटर्न शिफ्टेड बाई दिस डिस्टेंस। ओके चलो इसके और वेरियस फॉर्म्स लिख लिया सभी ने, ये आई होप सब लिख रहे होंगे साथ ही साथ, है ना, आई वुड सजेस्ट साथ ही साथ लिखते चलो। ठीक है, चलो ये वाई डैश लिख लिया, वाई डैश का दूसरा फॉर्मूला हमको पता है, फ्रिंज विड्थ कितना होता है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू, है ना, कितना आएगा, तो यहां से कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू x बाई लैम्बडा, ये फ्रिंज विड्थ है, ये फ्रिंज विड्थ है, म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल x बाई लैम्बडा, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके अंदर तीसरा कंसेप्ट है ना, तीसरा कंसेप्ट यह है कि इफ तुमको प्रॉब्लम में दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ
कॉम्पिटिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, इफ पैटर्न शिफ्ट्स बाय एन फ्रिंजेस, एन फ्रिंजेस से शिफ्ट हुआ है ना, पैटर्न एन फ्रिंजेस से शिफ्ट हुआ है ना। अब एक फ्रिंज कितने का होता है, कैपिटल एक्स का, तो ऐसे एन शिफ्ट हुए तो शिफ्ट कितना हुआ, एन कैपिटल एक्स, कितना शिफ्ट हुआ एन कैपिटल एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, देयरफॉर एन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टी कैपिटल एक्स स्मॉल टी बाय लैम्ब्डा, कैपिटल एक्स कैंसल, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए, म्यू माइनस वन इंटू टी बाय लैम्ब्डा, तो इतने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, याद रखना कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, म्यू माइनस वन इंटू टी बाय लैम्ब्डा है ना। तो ये थ्योरी समझ में आई, सभी को समझ में आई। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस की, है ना, जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होते तो उसमें क्या होता, तो ये टॉपिक में हम लोगों ने बात किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस के बारे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।